हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस एज अ डेवऑप्स इंजीनियर क्या काम करता हूँ। तो बहुत लोगों की क्वेरीज थी और अभी भी उनको क्लियर नहीं है, डाउट है कि ऑन अ डे टू डे बेसिस क्या करते हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट, लाइक आई स्टार्ट माई डे यूजली अराउंड 11 एंड आई मतलब मैं चेक करता हूँ ईमेल्स या फिर कोई जीरा टिकट्स हैं, कोई नई टिकट असाइन हुई है, कोई टिकट पेंडिंग है काफी टाइम से, वो सब देखना है, किसी चीज से फॉलो अप लेना है, वो सब चीजें देख ली, कोई इशू है फंसा हुआ है या फिर कोई नया इशू आया, तो इस टाइप से ये काम रहता है। मतलब मॉर्निंग में यही दिखता है। उसके बाद रहता है कॉल्स रहती हैं, एक कॉल रहती है डेली, एक स्क्रम कॉल होती है जिसमें आपको अपडेट देना होता है स्टेटस, आप किस पे काम कर रहे हो, कोई ब्लॉकर तो नहीं है, तो ये इस तरीके से स्क्रम कॉल रहती है। उसके बाद 12 12:30 के बाद मेन काम अपना स्टार्ट होता है। तो ये है सुनने वाली बात, इंपॉर्टेंट है तो वीडियो एंड तक देखना। तो पहला जो मतलब पहला नहीं मतलब वन ऑफ द टास्क, ऐसा ऐसे ऐसे टास्क रहते हैं मेरे पास। जैसे कभी का कोई डिप्लॉयमेंट आ गई, जेंकिन्स हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ बिल्ड एंड रिलीज टूल, तो कोई डिप्लॉयमेंट आ गई वो करना है, ठीक है। कोई इशू आ गया, कोई क्यूबरनेटिस पे कोई पॉड रीस्टार्ट मार रहा है या पॉड कुछ भी मेमोरी सीपीयू इशू आ गया पॉड का, तो वो सब वो देखना, ठीक है। और इसके अलावा AWS पे कोई नई नई सर्विस बनानी है, क्लाउड फ्रंट बनाना है, ठीक है, वो देखना। कोई और नई सर्विस बनानी है, कोई यूजर बनाना है, कोई अकाउंट बनाना है, ऐसे ही। मतलब मैं तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो जो मैं करता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत टास्क रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉड, हो गया अपना पॉड लेवल पे भी काम रहता है, मतलब वही क्यूबरनेटिस पे और AWS पे, जैसा कि मैंने बताया कोई नई सर्विस ऑनबोर्ड करना वो सब काम रहता है, कोई जेंकिंस जॉब बनाना हो, नई जेंकिंस जॉब बनाना हो, या फिर कोई जेंकिंस पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखनी हो, इस टाइप से काम रहते हैं। और जैसे रिसेंटली अभी मैं ग्रफाना पे काम कर रहा था, ठीक है, तो प्रोमीथियस ग्रफाना पे काम रहता है अपना। इसके अलावा एंसिबल पे भी काम रहता है, तो एंसिबल पे जैसे कोई नई प्लेबुक लिखनी हो तो वो भी काम आ जाता है कई बार। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जैसे एनवायरमेंट वेरिएबल अपडेट करने हैं बहुत सारी मशीनों पर, तो उसको हम मैनुअली तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए हम लोग एंसिबल प्लेबुक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और गिट लैब पे कोई काम हो गया, कोई रनर हो गया, गिट लैब रनर क्रिएट करना है अपडेट करना है वो रहता है, ठीक है। कोई एग्जिस्टिंग टेराफॉर्म कोड हो गया उसको अपडेट करना हो तो वो रहता है। तो मतलब डेवऑप्स इंजीनियर काम ये नहीं है कि सिर्फ पाइपलाइन ही बनाना है या फिर कोडिंग ही करना है, ऐसा नहीं है। तो मतलब वाइड वैरायटी ऑफ वर्क यू हैव टू डू, ठीक है। वो स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है, कोई टूल पे काम भी हो सकता है, कोई ट्रबल शूटिंग भी हो सकती है, कोई नेटवर्क रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई DNS रिलेटेड इशू हो सकता है, क्लाउड पे कुछ करना है, कोई नई सर्विस बनानी है, कुछ इशू आ रहा है, तो बहुत लेवल के इशू हो सकते हैं। तो इसीलिए मतलब डेवऑप्स इंजीनियर के डिमांड में है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज को हैंडल कर पाओगे, ठीक है, बी इट क्लाउड नेटवर्किंग और एंड सो जो मैंने अभी बताया आपको सबको टॉपिक्स। तो वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज पे काम रहता है, और इन सबको इश्यूज को ट्रैक करने के लिए जीरा हम लोग यूज कर लेते हैं। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग यूज होता है, कई जगह ICM यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ हम लोग जीरा यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। ऐसे सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होंगे, तो वहाँ आपका रोल मतलब रोल्स होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अलग टूल्स होंगे, सब कुछ अलग होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, हो सकता है कोई और डेवऑप्स इंजीनियर हो, उसका काम कुछ और होगा इसी से मिलता जुलता, ठीक है। तो बस ये शॉर्ट वीडियो थी, तो मतलब यही बताना था कि मैं क्या करता रहता हूँ। इसको इस वीडियो एंड तक देखना, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि मतलब क्या काम रहता है, और आइडिया ही मिलेगा कि डेवऑप्स इंजीनियर एक्चुअली करता क्या है। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।